तो मेरी युक्ति काम कर रही है, इन सब का सम्मोहन टूट रहा है। महावीर षटभू से उठाए, चक्र सो तीव्र गति से घुमाए, मायावी बल तनुज की छूटो, प्रजानृप सब सम्मोहन टूटो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इन शिलाओं में दबकर मैं तो अपने बाण चलाने के लिए अपने हाथ भी नहीं उठा पा रहा हूँ, श्वास भी नहीं ले पा रहा मैं। काकाश्री, मुझे निकालिए इन शिलाओं से। पुष्कर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पुत्र। रघुवंशी, चलाओ शिलाओं पर बाण, तुम्हारा बाण हर लेगा उस बालक के प्राण। शिलाओं में पिसकर श्वासें घुट जाएंगी बालक की, उसकी उद्दंडता का दंड मिल जाएगा उसे। बस, ये कोई साधारण बालक नहीं है, रघुकुल का राजकुमार है ये। इसे शिलाओं के बंधन से मुक्त करो, अन्यथा अपने दिव्यास्त्रों से मैं तुम 9 के 9 पर्वतों को धूल में मिला दूंगा। स्थिति तो और भी बिगड़ती जा रही, ये आदि शक्ति देवी के बल से संपन्न दिव्य पर्वत है, कहीं ये शत्रुघ्न की भी मुश्किल के जैसी दशा ना हो जाए। ये सम्मोहन से जाग गए हैं। दुष्ट राक्षस, अब मैं तुझे यमलोक भेजता हूं। ये तो भयानक वानर है, कहीं ये हमारे महाराज सुमत पर आक्रमण ना कर दे। प्रणाम माता। ये मैंने क्या किया, अधिक उतावलेपन में आकर अपने पांव स्वच्छ किए बिना ही भीतर आ गया, किंतु हुआ क्या था? प्रणाम महाराज, प्रभु श्री राम की सेना उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ हमारे राज्य की सीमा पर पहुंचने ही वाली है। हाँ, श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व। प्रणाम महाराज सुमद, प्रभु श्री राम का अश्व एवं उनकी सेना नगर के द्वार पर आपके दर्शन हेतु प्रतीक्षारत है। रुक जाओ वानर। महाराज से दूर ही रहना, अन्यथा। हाँ, महाराज के समीप मत जाना। क्षमा सैनिकों, मैं शत्रु भाव से नहीं आया हूँ यहाँ, मैं तो प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान हूँ। महाराज सुमत से नगर में प्रवेश करने की अनुमति लेने आया हूँ। हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, संकट मोचन हनुमान, हमारे नगर के द्वार पर राम भक्त हनुमान पधारे हैं। श्री राम की सेना और उनका अश्व मेरी नगर की सीमा पर आए हैं, और मैं यहाँ, मुझे तो आपके स्वागत के लिए नगर के द्वार पर होना चाहिए था। ये मुझे क्या हो गया था? महाराज सुमद, आप तो श्रेष्ठ भक्त हैं, उत्तम धर्म का पालन करते हैं, किंतु उतावलेपन में आपसे तनिक सी भूल हो गई थी। आप अपने पांव स्वच्छ किए बिना ही मंदिर में प्रवेश कर गए।
जिससे मायावी असुर निकुंभ को आप पर नियंत्रण करने का अवसर प्राप्त हो गया था। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ पर्वतों, कुमार पुष्कल को शिलाओं के बंधन से मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम सबका ध्वंस कर दूंगा। तुम्हारे सभी दिव्य अस्त्र विफल हो जाएंगे रघुवंशी, हमें साधारण पर्वत समझने की भूल मत करना। नौ दुर्गा की शक्तियाँ समाई हुई है हम में, यदि हमारी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो मात्र वो बालक ही नहीं, तुम और तुम्हारी संपूर्ण सेना भी दंड भोगेगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से लौट जाओ। क्षत्रिय कभी पीठ दिखाकर नहीं लौटते, रघुकुल के योद्धा हैं हम, बड़ी से बड़ी बाधा भी हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे रघुवंशी, उचित है, अब भुगतो अपने हठ का दुष्परिणाम। ये पर्वत तो हमें खींच लेगा। अश्व की रक्षा करो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अश्व को घेर लो, अश्व की रक्षा करनी है हमें। अब आप चलिए महाराज सुमद, प्रभु श्री राम की सेना को आप भीतर लेकर आइए। ये कैसा पाप हो गया मुझसे, आप सब वहां कष्ट में थे और मैं यहां सो रहा था, ऐसे में मैं कौन सा मुख लेकर राजकुमार शत्रुघ्न के पास जाऊं। उठिए महाराज सुमद, इस विषाद से निकलिए महाराज सुमद, प्रतीत हो रहा है आपके नगर के रक्षक पर्वत पुनः क्षुब्ध हो उठे हैं, आप चलकर उन्हें रोकिए, वो तो धर्म कार्य में बाधक बन बैठे हैं। देवी की शक्ति से संपन्न वे पर्वत कहीं कोई अनिष्ट न कर बैठे, आप मेरे साथ शीघ्र चलिए, चलिए महाराज। सब ये हमारे शत्रु नहीं है, इन्हें पहुंचाया गया कोई भी कष्ट या किसी भी प्रकार की क्षति मुझे पाप का भागी बनाएगी। सभी को बहुत कष्ट पहुंचा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब मुझ पर लगे ये पाप तभी धुलेंगे जब आप प्रभु श्री राम का ये अश्व एवं उनकी ये सेना हमारे राज्य में प्रवेश कर हमारा आतिथ्य स्वीकार करेगी। अश्वमेध यज्ञ के पूज्य अश्व, आपका स्वागत है। मैं राजा सुमद प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करता हूं और मैं ये प्रण लेता हूं
कि मैं भी आपकी इस यात्रा में तब तक आपका साथ दूंगा जब तक कि यह यात्रा पूर्ण नहीं हो जाती। हे पूज्याश्व, हमारे राज्य में प्रवेश कर हमें कृतार्थ करें। आइए। हे प्रभु श्री राम, मेरी छोटी सी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। विवेक विज्ञान निधाना है हनुमान। अपनी बुद्धि एवं बल से उन्होंने इस विकट परिस्थिति से भी सबको उबार लिया। अन्यथा मैं तो राजा सुमत को दिए हुए वरदान के कारण विवश थी। देवेश्वर, आप चिंतित प्रतीत हो रहे। क्या अश्व पर पुनः कोई संकट आने वाला है स्वामी? हाँ देवी, धर्म कार्यों में अनेकों बाधाएं आती हैं। की कृपा से संपूर्ण देवपुरा में ऐसा कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं जो मुझे राजा वीर मणि को मल्ल युद्ध में परास्त कर सके। पिताश्री, आपके पुत्र की धमनियों में भी आपका ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। आपके प्रताप का अंश मुझे भी प्राप्त हुआ है, अतः भोले शंकर की कृपा मुझ पर भी होगी। आपका कथन सत्य है भ्राता रुक्मांगद। काकाश्री, अब आप सोचिए आपका क्या होगा। पिताश्री का पुत्र होने के कारण भोले शंकर की कृपा मुझ शुभांगत पर अधिक होगी या उनके भ्राता होने के कारण आप पर? शुभांगत, भोले शंकर की कृपा तो भोले शंकर ही जाने। तो हमें आज ये देखना है कि इस मल्ल युद्ध में वीर सिंह के भाई की विजयी होती है या उनके भतीजे की। मल्ल युद्ध आरंभ किया जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Huh?
हर महादेव, हर हर महादेव। वाह भ्राता वाह, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोले शंकर प्रभु। देखा पुत्रो, भगवान महादेव के भक्त की अस्थियों में अभी भी बहुत बल है। ये श्रृंगी नाद, ये नाद मात्र तो संकट के संकेत के रूप में बजाया जाता है। ऐसा कौन सा संकट है जो महादेव के महान भक्त के राज की ओर बढ़ने का दुस्साहस कर रहा है? कौन है वो? भ्राता, ये और कोई नहीं है, ये अयोध्या नरेश राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व एवं उनकी सेना होगी। गुप्तचरों ने उनकी इस ओर आने की सूचना दी थी। काकाश्री, ये वही राम है ना जिसे सब नारायण का अवतार मानते हैं? होगा वो नारायण का अवतार, है तो वो नर ही ना। हम भी संघार करता महादेव के परम भक्त हैं। राम हो या परशुराम, हमारे समक्ष कोई भी शक्ति अधिक देर तक टिक नहीं सकती। ये सत्य है भ्राता, किंतु अभी करना क्या है? उस राम की अधीनता स्वीकार करनी है या अपने राज्य की प्रतिष्ठा के लिए उस अश्व को रोकना है? पिताश्री, अश्व को रोकेंगे हम। आज्ञा दे मुझे, मैं उनके अश्व का ऐसा हरण करके आऊंगा कि उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। नहीं, वो क्षत्रिय है, महादेव की महाकृपा है हम पर। उस अश्व का हरण नहीं करेंगे हम, उनके नेत्रों के सामने से उस अश्व को यहाँ लेकर आएंगे और अपने बाहुबल से उस राम की सेना को पराजित करेंगे और उन सभी को यहाँ से वापस भेजेंगे हम। हर हर महादेव। ऐसा ही होगा पिताश्री, मैं अभी आता हूँ। रुक जा रुक मांगत, मेरे महादेव से परामर्श तो कर लो, उनका आशीर्वाद तो ले लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो अच्छा हुआ कि राजा वीरमणि आपसे परामर्श लेना चाहते हैं। अब अवश्य ही आप उन्हें समझा देंगे कि जीव मात्र का कल्याण ही इसी में कि वो प्रभु श्री राम का शरणागत बन जाए। श्री राम का नाम सुख एवं मोक्ष का परम साधन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के मंत्रों की ध्वनि प्रतीत हो रहा है, देवपुरा के राजा वीरमणि भोले बाबा के भक्त हैं। हाँ हनुमान जी, महाराज वीरमणि शिव जी के महान भक्त हैं। शिव जी की विशेष कृपा है उन पर, वो जब भी शिव जी का आवाहन करते हैं शिव जी स्वयं दर्शन देते हैं उन्हें। ओम नमः शिवाय। मेरे महादेव, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ,
हर हर महादेव। कल्याण मस्तु। राजन, किस प्रयोजन से तुमने मेरा आह्वान किया? प्रभु, आपका ये भक्त आज तक आपकी कृपा से स्वतंत्र है, परतंत्रता क्षत्रियों के लिए मृत्यु दंड है। मैं सत्य कह रहा हूं ना प्रभु? तुम सत्य कह रहे हो राजन, परतंत्रता स्वाभिमान का अहन करती है और जो मनुष्य स्वाभिमानी नहीं है वो मृतक के समान है। तो प्रभु, मेरे राज्य की ओर अयोध्या के नरेश राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बढ़ रहा है। मेरे समक्ष अनायास ही उनकी अधीनता स्वीकार करने की चुनौती आकर खड़ी होने वाली है, किंतु प्रभु, मैं अपने स्वाभिमान को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस अश्व को रोक कर उनको चुनौती देना चाहता हूं। किंतु उनके इस असीम शिव भक्ति ने उन्हें अहंकारी बना दिया है, इसलिए मुझे आशंका है कि वो प्रभु श्री राम की अधीनता सहज ही स्वीकार नहीं करेंगे। यदि भोले बाबा के महाभक्त महाराज वीरमणि ने प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोककर युद्ध करने की इच्छा जताई, फिर तो अनर्थ ही हो जाएगा। व्यक्ति को उसका स्वाभिमान प्रतिष्ठा दिलाता है, जबकि अहंकार अपमान। इसलिए व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, ना कि अहंकारी।